हाय फ्रेंड्स, ये ओमनी मैंने मॉडिफाइड करवाई है। इसका पूरा रिव्यू आपको दिखाऊंगा मैं, तो ले चलता हूँ इसके पास। जो आगे आप देख रहे हो ये सेफ्टी गार्ड, जिसे आमतौर पर इसे बम्पर बोला जाता है, महावीर कंपनी का है। ये मैंने परचेज किया था, फ्रंट वाला और पीछे वाला। ये मुझे करीब मार्केट में पड़ा है 5,500 के समथिंग। और इसके अलावा मैंने ये इसके ऊपर रेडियम करवाई थी श्रीदेव, और ये नंबर प्लेट है आगे की और फ्रंट की और बैक की दोनों बनवाई थी, 1,000 रुपये की पड़ी थी मुझे। एंड ये आप देख रहे हो ये कंगन मैंने मार्केट से 100 रुपये में परचेज किए थे दोनों वाइफ्रों में, और कुछ ज़्यादा आगे कुछ खास नहीं किया मैंने। ये आगे राजस्थानी गुड़िया लिखवा दिया है फिल्म करवा के। ऊपर का व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये एंटीना है जो 150 रुपये में मार्केट से मैंने परचेज किया था, डबल टोन वाला एंटीना है, और प्लस बीच में फास्ट टैग लगा हुआ गाड़ी में। प्लस फ्रेंड्स, इसके अंदर जो ये रेविंदो कंपनी मारुति सुजुकी लगा के देती है, हेडलाइट के अंदर ये क्रोन है। ये मैंने इसका किट अलग से लिया था, हेडलाइट क्रोन, और इसके साथ में आता है एक इंडिकेटर विदाउट क्रोन। तो इसका ये फ्रंट लुक आप देख सकते हो फ्रेंड्स, फ्रंट लुक इस प्रकार है गाड़ी का। और अब आपको साइड का लुक दिखा देता हूँ फ्रेंड्स मैं। ये है इसका साइड का लुक, साइड का लुक देख सकते हो फ्रेंड्स, इस प्रकार दिखती है ओमनी। साइड के अंदर मैंने क्या क्या परचेज किया था मार्केट से वो दिखा देता हूँ आपको। एक तो ये डोर वाइजर जो 3 इस तरफ है 3 उस तरफ है, 6 डोर वाइजर, ये भी शोरूम से परचेज किए थे मैंने, लेकिन अलग से परचेज करना पड़ा मुझे। और आपको बता रहा था क्रोन का, ये क्रोन किट है, उसके अंदर ये वाला आता है साइड इंडिकेटर और प्लस हेडलाइट क्रोनिंग। और मैंने ये अलग से परचेज किया था, ये भी कंपनी शोरूम से परचेज किया था साइड मॉडलिंग, इससे सेफ्टी गार्ड बोलते हैं साइड मॉडलिंग, ये भी अलग से परचेज किया था। और ये उत्सव वाला ग्राफिक्स जो आप देख पा रहे हो पूरी गाड़ी को, एक नया लुक अट्रैक्ट बना देती है। और ये व्हील कैप ओरिजिनल मारुति सुजुकी की तो शोरूम से थी, बट अलग से परचेज की थी। ये लुक आप देख पा रहे हो, और ये तीनों डोर वाइजर, और ये साइड का लुक आप आराम से देख सकते हो। साइड का लुक ये है। अब इसका मैं बैक का लुक दिखा देता हूँ आपको। बैक लुक इस प्रकार है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो। बैक के अंदर मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं करवाया था, बट ये जो स्पॉइलर आप देख पा रहे हो, ये वाला स्पॉइलर विथ इंडिकेटर 1600 रुपये का अलग से परचेज की थी मैंने मार्केट से। और पीछे और कुछ खास, ये बम्पर जो पीछे वाला बैक बम्पर और फ्रंट वाला बम्पर दोनों मैंने 5,500 रुपये का मार्केट से परचेज किया था, और दोनों नंबर प्लेट 1,000 रुपये में बनाई थी, ये महावीर का बैक वाला बम्पर। और ये है कैमरा लगा हुआ, कैमरा इंस्टॉल किया मैंने, इसको रिप्लेसमेंट में है। ये फ्लैश लाइट वाला कैमरा परचेज किया था मैंने, बट उसके पास अवेलेबल नहीं था, तो फिलहाल के लिए मैंने यही सेटअप करवाया, इंस्टॉल करवाया है, ये एक्सचेंज करूँगा। ये इसमें बैक कैमरा इस जगह लगवाया है, और बैक आप देख सकते हो, ये तो SR वैष्णव बॉयज और यूट्यूब जो आपका खुद का अपना चैनल है उनकी टेक्निकल इंडिया, ये मेरा यूट्यूब लोगो लगा हुआ है। और ये टेलिंग लैम्प है गाड़ी की, आप देख सकते हो। और बैक ओरन है जो मैंने नीचे लगा रखा है। प्लस इसका साइड से लुक दिखा देता हूँ मैं आपको, ये साइड से लुक इसका ये है फ्रेंड्स। साइड लुक के अंदर वही वापस व्हील गैप जो मैंने शोरूम से परचेज की थी, और ये साइड मॉडलिंग, और ये उत्सव वाली ग्राफिक जो आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये वाली, ये मैंने शोरूम से अलग किट लिया था, उसके साथ में आई थी। और ये डोर वाइजर, और ये जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स रूफ रेल, इसको रूफ रेल बोलते हैं। तो रूफ रेल मार्केट से अलग से परचेज की थी मैंने, ओरिजिनल महिंद्रा स्कॉर्पियो वाली, ये मेरे को 1600 रुपये की पड़ी थी, बट आजकल तो 1400 रुपये 1200 रुपये में मिल जाती है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है अपने कौन सी क्वालिटी लेनी है। और ये साइड क्रोम के अंदर ये भी आ गया, और ये डोर वाइजर तीनों आ गए, और ये साइड मॉडलिंग, फ्रंट का लुक इस प्रकार आप देख सकते हो। ये है इसका साइड का लुक ओमनी, और अभी लेटेस्ट साइड से ये लुक है गाड़ी का ओमनी का, और फ्रंट वाला लुक आप ये देख लो फ्रंट से ये लुक है। तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अंदर से इसका रिव्यू दिखा देता हूँ आपको। अंदर से फ्रेंड्स ये ओपन द डोर, अंदर से ये डैशबोर्ड कवर जो फ्रेंड्स मैंने 350 रुपये का मार्केट से परचेज किया था, और ये श्री शंकर भगवान की और गणेश जी की और श्री डी कल्याण जी महाराज की मूर्ति है। और ये परफ्यूम है,
जो ये 80 रुपये के करीब आती है, ये भी मार्केट से अलग परचेज की थी मैंने। और अभी तक तो गाड़ी मेरी क्या चली हुई है, और ये इसके अंदर सोनी की ब्लूटूथ वाली टेप है, ये यानी साउंड सिस्टम है। ये मैंने 7,500 रुपये की ओनली फॉर ये साउंड सिस्टम की टेप ली थी मैंने, जो ये मार्केट से परचेज की थी मैंने। और ये LED, ये मुझे 3,000 रुपये की ओरिजिनल HD सपोर्टेड ये LED मिली मेरे को मार्केट से परचेज की, ये भी मैंने। और ये लटकन आप देख रहे हो, हनुमान जी की लटकन, ये 60 रुपये की ली थी मैंने मार्केट से अलग परचेज की थी। और स्टीयरिंग कवर ये तो कंपनी ने लगा के दिया था। और ये फोक व्हील स्टीयरिंग आराम वाला, ये मेरे को 250 रुपये का पड़ा है, बिल्कुल इजी स्मूथली गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं इससे। ये स्टीयरिंग को काफ़ी इजी बना देता है, 250 रुपये का मैंने मार्केट से अलग से परचेज किया था। और ये परफ्यूम जो 80 रुपये की पड़ती है मार्केट से, ये भी मैंने अलग से परचेज की थी। और कुछ खास नहीं गाड़ी के अंदर, ये जो सोनी की ब्लूटूथ टेप है, जो साउंड सिस्टम है, ये मैंने 7,500 रुपये का इंस्टॉल करवाया था कंपनी से। और ये 3,000 रुपये की LED है, और इसका साउंड सिस्टम भी आपको सुना देता हूँ मैं, साउंड सिस्टम भी सुनाता हूँ। साउंड सिस्टम देख रहे हो, इसका बैग में लगा रखे स्पीकर, ये LED व्यू देख पा रहे हो आप, ये LED व्यू देख पा रहे हो आप। इसके अंदर कैमरा भी है, बैग गियर के अंदर इंस्टॉल कर रखा है मैंने, बैग गियर लगाते कैमरा चल जाता है। और ये गैस किट करा रखा है, उसका आपको दिखा देता हूँ मैं, स्विच ये मैंने गैस किट करवाया था। और कुछ खास नहीं, ये चार्जर लिया था मैंने 250 रुपये का। और ये मेटिंग जो आप देख पा रहे हो, ये पूरी मेटिंग करवाई थी मैंने 800 रुपये में पूरी गाड़ी के अंदर। और आपको दिखा देता हूँ ये इसकी साइड के अंदर हेड आर्म, ये मैंने लिए थे दोनों, इस सीट का और इस सीट का, दोनों 300 रुपये में मार्केट से अलग से परचेज किया था। और ये लेदर वाले सीट कवर जो 5,000 रुपये मैंने इंस्टॉल करवाए थे गाड़ी के अंदर डलवाए थे। और फ्रंट में, फ्रंट वाला लुक आपने देख लिया फ्रेंड्स, ये वाला है। अब इसको आपको मैं बैक वाला लुक दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स बैक में कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं, ये मैंने पर्दे लगवाए थे गाड़ी के अंदर जो 1,200 रुपये के कुछ मुझे पड़े हैं। और ये सीट कवर वगैरह ये मैंने अलग से बाहर से करवाया था काम, ये अंदर का लुक है इसका। और ये LED लगवाई थी मैंने ओनली फॉर 25 रुपीज़, यानी 25 रुपये की रुपीज़ की पूरी गाड़ी के अंदर एकदम चमचमाती हुई। और स्पीकर लगे हुए हैं जो इस साइड में नीचे है फ्रेंड्स, इसी के अंदर प्लाई के अंदर, इसी प्लाई के अंदर नीचे है, दोनों तरफ सोनी के 9 इंची स्पीकर्स। और ये आपको अंदर दिखा दे, ये है अपनी मेटिंग जो पूरी गाड़ी के अंदर करके देते हैं, ये इसका अंदर का व्यू आप देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप भी करवा सकते हो। और पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स मुझे एक चीज़ की शिकायत आई, बहुत से बोलते हैं कि कुल गाड़ी के अंदर कितना खर्चा आया, तो मैं फ्रेंड्स इसको बता देता हूँ आपको कि इसको गैस किट सहित पूरी गाड़ी के अंदर 60,000 रुपये मैंने ऑलरेडी जो इसको खरीद रेट है उससे एक्स्ट्रा में 60,000 रुपये में ये पूरा सारा डेकोरेशन गाड़ी के अंदर मॉडिफाइड हुई है। तो बार बार मुझे फ्रेंड्स कमेंट्स करके यही पूछते हैं कि गाड़ी में कुल कितना खर्चा है, कुल कितना खर्चा आया, तो मैं बता देता हूँ आपको, गैस किट सहित 60,000 रुपये का इसमें डेकोरेशन में पूरा गाड़ी के अंदर खर्चा आ गया। और आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया, बैक कैमरा रिव्यू, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं फ्रेंड्स, जैसे अपन गाड़ी की ऑन करेंगे और बैक गियर डालेंगे तो उसके अंदर आपको बैक कैमरा भी दिख जाएगा। ये LED में अभी चल रहा है सॉन्ग, ये गाड़ी मैंने ओपन करके स्टार्ट कर ली है, और बैक कैमरे मोड में डाल देता हूँ मैं इसको। ये जैसे कि मैं ये बैक कैमरा डाल दिया तो ये बैक कैमरा चल गया। अभी क्या है कि सेटअप करना पड़ेगा मुझे, पूरा व्यू नज़र दिखाई देता है इसके अंदर, बैक गियर के अंदर, बैक कैमरे के अंदर। तो ये LED भी मार्केट से परचेज की थी मैंने 3,000 रुपये की समथिंग, ये आप भी कर सकते हो ऐसा, इस प्रकार आप पूरी गाड़ी को मॉडिफाई करवा सकते हो। हाँ अगर दोस्तों इस वीडियो पर मेरा टारगेट है पसंद आए, 10,000 लाइक का मेरे को टारगेट है। पूरी गाड़ी का व्यू आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं, ये इसका साइड लुक है, ये इसका साइड लुक है फ्रेंड्स, और ये इसका फ्रंट लुक है, और ये इसका इस साइड लुक है। और आपको बैक लुक भी दिखा
का देता हूँ मैं। ये इसका बैक लुक है फ्रेंड्स, ये है इसका बैक लुक है। और फ्रेंड्स इसके अंदर ये मैंने आपके अपने खुद का यूट्यूब लोगो लगा रखा है, आपके खुद का चैनल। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा 10,000 का टारगेट है, 10,000 लाइक मुझे चाहिए इस वीडियो पे प्लीज़। और वीडियो को जितना हो सके, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ लगा हो तो इसको इतना फॉरवर्ड करना और इतना चैनल को सब्सक्राइब करना कि मुझे लगे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स अब आपको एक बार मेरा खुद का नज़ारा भी दिखा देता हूँ मैं। यस ओम जी टेक्निकल इंडिया। नई व पुरानी गाड़ी खरीदी हूँ बेची जाती है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें।